नमस्ते और वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं साइकिलिंग के लिए। आज का दिन है 28 जुलाई 2020, ट्यूसडे है। आज सुबह करीब 9:45 बज रहे हैं। पता है लेट है साइकिलिंग के लिए, बट फिर भी बहुत दिन से इस वीडियो के बारे में सोच रहा था, तो आज डिसाइड कर ही लिया कि चलो आज एक वीडियो बनाते हैं। चलिए चलते हैं, इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमने कर लिया हमारा स्ट्रावा ऑन। मैं स्ट्रावा पे काफ़ी एक्टिव हूँ फिलहाल। स्ट्रावा एक ऐसा ऐप है जो आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ या वर्कआउट ट्रैक करने में मदद करता है। आज की राइड इतनी लंबी वैसे भी नहीं होने वाली है। आज पर्पज ही था मेरा राइड पे जाने का कि मैं एक वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ऐसा एक इन पर्सन वीडियो नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा चलो, आज 10 बज रहे हैं और ये मौसम ऐसा है, काफ़ी सुंदर मौसम है, तो मैंने सोचा चलो साइकिलिंग भी हो जाएगी, वर्कआउट भी हो जाएगा और हम एक वीडियो भी बना सकते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है ऐसा कोई वीडियो मैंने बनाया। लास्ट साइकिलिंग का वीडियो था कुछ 2-3 साल पहले और मैं काफ़ी सोचता था वीडियो बनाओ पर बना ही नहीं पाता था, पता नहीं क्यों। तो आज मैंने सुबह डिसाइड किया कि आज मैं मेरे कंफर्ट जोन के बाहर निकलूँगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि मैं आजकल पूना में नहीं रह रहा हूँ। फिलहाल ये COVID-19 सिचुएशन के कारण, COVID-19 लॉकडाउन के कारण हम जुन्नर में रह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा रोज का रूट है, ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंट रूट है साइकिलिंग का। आज मैं सोच रहा हूँ इस वे पे जाके उस हिल पे जा सकते हैं जहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा होगा सभी जगह का। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हिल टॉप है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऑफ रोड करना, अप हिल साइकिलिंग। हाफ मैंने किया साइकिलिंग, हाफ हाथ में लेके ऊपर लेके आया। अब जाते वक्त तो स्लोप ही है तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके अपने व्यूज शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरा फर्स्ट गोल है 1000 सब्सक्राइबर रीच करने का। पसंद आया तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। सुंदर ये शहर बहुत ही प्यारा शहर है, 90 किलोमीटर के आसपास है पुणे से, जो कि पुणे नासिक हाईवे के बीच में आता है। तो ये शिवनेरी है जैसे कि आप देख रहे हैं, जो शिवाजी महाराज की बर्थ प्लेस है, और ये लेनाद्री है जो अष्टविनायक गणपति जो है, जो 8 गणपति है उनमें से ये एक गणपति है। तो काफ़ी टाइम हो गया मैं इधर ऊपर आया हूँ, थोड़ा रेस्ट भी हो गया, हम चलते हैं वापस घर की ओर। तो हम रोड की तरफ आ चुके हैं। ये जो पाथ था बहुत ही अच्छा था, फर्स्ट टाइम था ऑफ रोडिंग अप द हिल, मज़ा आया। अगली बार हेड माउंट लेके आऊँगा गोप्रो का, जिससे और अच्छा व्यू मिलेगा वीडियो के लिए। बाकी उतरना तो काफ़ी आसान था, सिर्फ कौन सा पाथ लेना है ये थोड़ा सोच के लेना पड़ रहा था। We'll be right back.
घर पहुंचने ही वाले हैं। पहुंच ही चुका हूँ, तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉग हिंदी में कर रहा हूँ, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके आपके व्यूज बताइए, आपके ओपिनियंस बताइए, किस तरह मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ ये बताइए। लाइक करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा। 1000 सब्सक्राइबर्स ये मेरा अगला गोल है। तो यस, आते हैं और अगले वीडियो में अपनी मुलाकात होगी। और आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ और सेफ होंगे अपने अपने घर पर। तो हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। We'll be right back.